बोली सलोनी अदाए मन मोनी तेरी जैसी ब्यूटी किसी की भी नहीं होनी ठंडे की बोतल में तेरा अपना रे तुझे गट गट मरती लूं देखो का कोला नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वी आर ब्यूटीफुल बाय नताशा और मैं हूँ नताशा। तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे को सेट कर लेती हूँ। यस, अब ओके, ये सही। तो मैं हूँ नताशा और सबसे पहले तो 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं और उसके बाद में मैं कहना चाहूँगी रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि दोनों ही चीज़ हम लोगों के लिए तो बहुत स्पेशल है। एक दिन आज़ादी मिली थी, दूसरे दिन भाई और बहनों का त्यौहार। बहुत से लोग पूछते हैं कि रक्षाबंधन होता क्या है, तो मैं यही बताना चाहूँगी कि रक्षाबंधन एक त्यौहार है हम भारतीयों में, जिसमें भाई अपनी बहन को प्रॉमिस करता है कि मैं, मतलब भाई बहन अपने भाई को राखी बांधती है। वो डोरा हो सकता है या फिर मार्केट में आजकल बहुत अच्छी अच्छी राखी अवेलेबल हो सकती है, आप खुद से भी राखी बना सकते हैं। अपने भाई के हाथ में बांधती है और उससे प्रॉमिस लेती है कि आप मेरी हमेशा रक्षा करेंगे और भाई उसको प्रॉमिस देता है। और आजकल क्या पहले से ये रिवाज है कि भाई प्रॉमिस के साथ साथ और भी बहुत कुछ देता है, जैसे गिफ्ट, पैसे वगैरह, तो ये मिलते रहते हैं। कुछ लोग इसमें हंसते हैं कि ये लड़कियों का पैसे कमाने का तरीका है, लेकिन रिवाज चलते आए हैं। और आई थिंक पहले तो बात ये है कि किसी भाई को अपने प्रॉमिस याद दिलाने के लिए किसी त्यौहार की ज़रूरत नहीं है, बट हम लोगों के लिए बहुत मायने रखते हैं हर एक त्यौहार। और भाई बहन का ऐसा कोई त्यौहार हो तो अच्छा लगता है, जब हस्बैंड वाइफ का है, मम्मी पापा के लिए है, सबके लिए है, तो भाई बहन का भी होना चाहिए। और वैसे भी एक नहीं तो दो तो त्यौहार हम लोगों में है ही है। सो यस, मैंने बताया कि रक्षाबंधन होता क्या है और होप रक्षाबंधन के दिन मतलब सभी भाई बहन जिनमें अनबन भी हैं वो भी एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे के साथ में रहे। भाई बहन नहीं, भाई भाई भी और बहन बहन भी, सब एक दूसरे के साथ में रहे। थैंक गॉड मेरी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है, मेरे भाइयों में मेरे में बहुत प्यार है, तो हम लोगों में कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और यस, मैं तो राखी पहले ही बांध चुकी हूँ कोथली, जब मेरे भाई और भाभी वगैरह देने के लिए आए थे तो मैंने तभी राखी बांध दी थी अपने भाई को, क्योंकि पॉसिबल नहीं होता बार बार जाना, इतनी दूर जाना आना, मतलब वो लोग ना तो आ सकते क्योंकि जॉब वाले लोगों को सबको ही पता है, प्राइवेट जॉब का तो सबको ही पता है कि क्या हालत है, छुट्टी नहीं मिलती। और ऊपर से 15 अगस्त भी है तो सरकार का कुछ ऐसा रूल है कि 15 अगस्त के दिन छुट्टी नहीं होगी। तो बट इस बार आई थिंक स्कूल वगैरह में तो हॉलीडे है, आई थिंक नहीं है, क्योंकि 14 अगस्त को ही सारे फंक्शंस वगैरह कर लिए थे, क्योंकि 15 अगस्त को रक्षाबंधन है, तो दोनों ही काफ़ी मायने रखते हैं। सो यस, ये था। बाकी गवर्नमेंटेड जो संस्थाएं हैं उनमें तो 15 अगस्त को ही मनाई जाएगी, सभी फंक्शंस 15 अगस्त को ही होंगे। सो यस इंफॉर्मेटिव है, लेकिन कुछ लोग इससे बोर हो गए होंगे, तो मैं आना चाहूँगी मेन बात पे जो मैं कहना चाहती थी। सबसे पहले तो ये है कि देखिए, मेरे पास में बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है वीडियोज़ के लिए, उसके बाद में कमेंट्स आते हैं कि वीडियो कीजिए, ठीक है। उसके बाद में जो मेरे पास बार बार कमेंट आते हैं कि आप कब कर रहे हो, तो उस चीज़ का मैं सबको एक साथ जवाब देना चाहूँगी। पहली तो बात यह है कि अभी मैंने जितनी वीडियोस डाली है उसके बाद में मेरी जो चैलेंजेस वीडियो है वो दो आएंगी, दो मेरे पास चैलेंजेस वीडियो मैंने बनाई हुई है। उसके बाद में मैं अब कोई चैलेंजेस वीडियो ऐसी जिसमें रिस्क हो, जैसे कि मुंह में हैंकी घुसाना वगैरह, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मुझे दो वीडियो के टाइम में जो मुंह में हैंकी घुसाने वाली थी, मतलब मुंह में हैंकी डालकर बांधने वाली थी, उसमें बहुत दिक्कत हुई है। दूसरी मेरी जो होस्टेज वाली मतलब किडनैपिंग वाली जो वीडियो थी उसमें भी मुझे बहुत दिक्कत हो गई थी। और यस, मैंने एक और वीडियो बनाई है उसमें भी मुझे काफ़ी दिक्कत हुई है, बट मुझे मैं वो वीडियो डाल दूंगी क्योंकि वो ऑलरेडी बन चुकी है। अब मैं वीडियो नहीं बना सकती क्योंकि मेरी फैमिली इस चीज़ को मुझे अलाउ नहीं कर रही है, उन्होंने मेरी वीडियोस देखी, उनको मेरी चिंता हो रही है और उन्होंने साफ मना कर दिया कि तुम ऐसी वीडियो नहीं बनाओगे, तो क्योंकि उनको भी पता है कि मैं अकेली हूँ और ऐसी वीडियो बनाती हूँ, अगर मेरे साथ में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो मुझे कोई संभालने वाला भी नहीं आएगा, तो बहुत ज़्यादा कंसर्न थे इस चीज़ को लेकर। दो दिन से मेरी डांट पड़ रही है, तो मैं अब ऐसी रिस्की वीडियो नहीं बना सकती। हाँ, आपके चैलेंजेस लिए जाएंगे, लेकिन प्लीज़ अगर आप चैलेंजेस देना चाहते तो ऐसे दीजिए जो कि कंफर्टेबल हो, जो मुझे हार्ड तो लगे बट जान पे रिस्क ना है, जिससे मेरी फैमिली को प्रॉब्लम हो, क्योंकि मैं ऐसे कोई काम नहीं करना चाहती जिससे मेरी फैमिली अलाउ ना करे।
तो ये थी एक सिंपल सी बात उन लोगों के लिए जो मुझसे गुस्सा है इस बात को लेके कि मैं उनकी वीडियोस नहीं बना रही हूँ। आई होप आप लोग समझेंगे। और कुछ चैलेंजेस इतने मज़ेदार थे ना कि मुझे बहुत मजा आया करते हुए। सो यस और थैंक यू सो मच, क्योंकि आपकी ही रिक्वेस्टेड वीडियो पे मुझे इतने सारे व्यूज आए हैं भर भर के। और एक जो वीडियो है मेरी उसमें 2K कंप्लीट होने वाले हैं, थोड़े से बचे हैं। और वो अगर मैं सर्च में डालती हूँ तो मेरी वो वीडियो टॉप रैंकिंग पे आ रही है, तो बहुत अच्छा लगता है देख के। और मैं बार बार सर्च करके देखती रहती हूँ क्या अभी भी मेरी वीडियो ऊपर है। तो ये सब आप लोगों की वजह से पॉसिबल हुआ है। और आई एम सॉरी मैं आपके कुछ चैलेंजेस नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन सच बताऊँ मुझे भी वो थोड़े वियर्ड लगते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक शॉक देने वाला, मैंने किसी की वीडियो वो देखी थी, वो लेडी जो थी अपनी बेटी को ये एक्ट करके दे रही थी। मतलब कि उन्होंने अपनी बेटी को एक मरीज बनाया हुआ था, खुद एक जो मतलब है डॉक्टर बनी हुई थी। मैं अपनी बेटी के साथ में या फिर किसी और की बेटी के साथ में या किसी और के साथ में ये सोच भी नहीं सकती, मैं कर भी नहीं सकती। आई डोंट नो लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं। और भगवान ना करे किसी के साथ में ये टाइम आए कि ऐसा करना पड़े। सो ये तो मैं इस तरीके के एक्ट तो मैं नहीं कर सकती कि मैं किसी को इलेक्ट्रॉनिक शॉक दे रही हूँ या कुछ भी। मेरे लिए वियर्ड है, मेरे लिए बहुत अजीब है, मेरे लिए बहुत गंदे हैं। मैं नहीं कर सकती किसी को तकलीफ। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब उसमें भी कि किसी को तकलीफ हो रही है तो मेरे लिए बहुत तकलीफ दे है, मैं नहीं देख सकती। हाँ मजाक है ठीक है, बट नहीं अच्छा लगता मुझे। तो उसके लिए सॉरी मैं ऐसे वीडियोस नहीं कर सकती। नेक्स्ट मैं ये कहना चाहूंगी कि हाँ मेरे पास में कुछ लोगों के ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं जो बोल रहे हैं कि अपना नंबर दो, अपना नंबर सेव कर, मतलब मुझे कमेंट कर रहे हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, मुझे नंबर मांगे जा रहे हैं, मुझे मतलब प्लीज प्लीज करके या फोर्स करके मुझसे नंबर मांगे जा रहे हैं। तो प्लीज ऐसी हरकतें बंद कीजिए। मैं ना तो किसी को अपना नंबर देने वाली हूँ और ना मैं चाहती हूँ कि कोई यहाँ पे नंबर मुझे दे। ना तो मुझे किसी के नंबर की जरूरत है और ना मुझे किसी को नंबर देने की जरूरत है। तो ये हरकतें बंद कर दे प्लीज। दूसरे की अगर आप दूसरे किसी को सामने देख रहे हैं तो उसकी इज्जत करना सीखिए, उसको रेस्पेक्ट करना सीखिए। एक ऐसे ही आप किसी को जानते नहीं हैं सामने, उसको एक YouTube पे वीडियो बनाते देख रहे हैं तो आप सोच रहे हैं कि चलो इससे नंबर ही मांग लें फालतू बकवास करने के लिए। तो ये चीज़ मुझे लगता है किसी लड़की के लिए, किसी वुमेन के लिए डिसरेस्पेक्टेड है और आपको ये नहीं करनी चाहिए। तो ऐसी ना करें। हाँ और ये मेरे साथ में नहीं हुआ, ये बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो स्पेशली जो नए नए हैं उनके साथ में होता है। पुराने जो यूट्यूबर्स हैं जो मतलब काफ़ी अब सक्सेसफुल हैं उनके साथ में ये इसलिए होता है कि लोग उनसे अपना प्रमोशन कराना चाहते हैं तो उनसे नंबर मांग रहे हैं। दैट्स ओके, क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि उनकी जो वीडियोस हैं वो वायरल हो जाए किसी तरीके से, तो हेल्प मांग लेते। दैट्स ओके, मैंने भी मांगी थी, नहीं की किसी ने, तो मैं कोई फोर्स नहीं कर रही हूँ किसी को, तो दैट्स ओके। लेकिन आप मुझसे भैया मैं तो कोई फेमस भी नहीं हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ, आप मेरे से सिर्फ नंबर मांग रहे हैं, क्यों मतलब क्यों भैया? ऐसा क्या रीज़न आपको पड़ गया जो आप मुझसे नंबर मांग रहे हैं? मैं आपके किसी काम नहीं आ सकती। हाँ अगर किसी को कुछ पूछना है या कुछ करना है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे पॉसिबल होगा, मैं आपको रिप्लाई दूंगी। मोस्टली मैं सबका रिप्लाई देती हूँ, लेकिन मैं नंबर किसी को नहीं देने वाली। मेरी पर्सनल लाइफ में मैं किसी को नहीं घुसाने वाली। और किन्हीं को ये भी दिक्कत है कि मेरी वीडियोज में मेरे हस्बैंड क्यों नहीं आते, अगर मैं चैलेंज कर रही हूँ तो मेरे हस्बैंड क्यों नहीं आ रहे हैं? और मतलब मैंने जब रिप्लाई किया तो ये बोला गया कि वो आपके साथ में नहीं रहते या फिर मुझे नंबर मांगा है। तो मैं आपको ये बता दूं मेरे हस्बैंड मेरे साथ में रहते हैं, मेरी हस्बैंड से मेरी बहुत ज़्यादा बनती है, हम दोनों में बहुत प्यार है, सब कुछ मतलब हमारे बीच में सब कुछ बहुत अच्छा है। और मैं अपना काम कर रही हूँ, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं उनके ऑफिस में जाकर उनके काम के लेने बैठती हूँ और वो मेरी वीडियोज़ में नहीं आते, बात खत्म। अगर कभी उनको सही लगा, मैंने उनसे कहा और उनको सही लगा और वो आना चाहेंगे तो आएंगे, नहीं उनको अच्छा लगेगा तो नहीं आएंगे। तो प्लीज़ आप ऐसी बात मत कीजिएगा कि मेरे हस्बैंड क्यों नहीं आते हैं। ये सब ज़रूरी नहीं है हर यूट्यूबर के हस्बैंड उनके साथ में हों और किसी के हस्बैंड उनके साथ में हों। सो यस आज की वीडियो में इतना ही था। मुझे बहुत सारी ये बातें मेरे मन में भर रही थी तो मैंने सारी वो दिल की बात कह दी। और बस इतना ही आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।